फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल है 365। आज हम लोगों की एक अर्जेंट मतलब अचानक से एक ट्रिप बन गई है बैंगलोर की। तो हम लोग निकल रहे हैं आज बैंगलोर से। हमारी यहाँ से मतलब हैदराबाद से ट्रेन है हमारी काचीगुड़ा से, और हम लोग कल सुबह पहुँचेंगे 9 बजे के आसपास बैंगलोर। तो जैसे भी हमारी ट्रिप रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे पास आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो ज़्यादा कुछ हम लोगों ने पैक नहीं किया। हमारे पास एक ये एक मेरा ये लैपटॉप बैग है, उसके अलावा एक प्रिया का बैग है लैपटॉप बैग, और उसमें सामान रखा हुआ है, और एक उसका हैंड बैग है। तो जितना भी है मतलब हम लोग कम से कम सामान लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसा भी जितना भी जो भी हम लोग करेंगे ट्रिप में, और जैसे जैसे जाता है कैसे कैसे हम लोग पहुँचते हैं बैंगलोर, वो सब आपको मैं बताता रहूँगा वीडियो में। तो जल्दी ही आई थिंक ये कल ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी देखने के लिए। तो चैनल पर बने रहिए, चलिए चलते हैं बैंगलोर। चुके हैं अपने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास। अब यहाँ पहुँच के हम लोग लगेज चेक कराते हैं, और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, फाइनली स्टेशन में आने के बाद हम लोग यहाँ रुके हुए हैं डिस्प्ले के पास, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अपना ट्रेन का कब आएगा डिस्प्ले, क्योंकि उससे हम लोगों को पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सेकेंड या थर्ड प्लेटफॉर्म पर आएगा, पर फिर भी वेट करके चेक करते हैं और कन्फर्म करते हैं आपको। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में एंटर कर चुके हैं, और एंटर करके आपको दिखाते हैं कि ट्रेन कैसी रहती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं ट्रेन के अंदर, सुविधाएं, और कैसी सीट रहती है, सब कुछ। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो नीट एंड क्लीन लग रही है ट्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे एक अच्छी बात देखी मैंने कि यहाँ पे आपको दोनों टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरीके के, तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइम टू टाइम पे खाने की मतलब प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अंकल भी लेके आए हुए हैं।
और भी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, कि यहाँ पे हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि ये हैमर देखो, तो ये हैमर का अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो नीचे इसका चार्ट बना हुआ है, कैसे इसको यूज़ करना है, इमरजेंसी हैमर बॉक्स को कैसे तोड़ना है उसको, कैसे निकालना है और कैसे मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में निकलना है वहाँ से। इसके अलावा एक और हैमर भी है यहाँ पे, आयरन हैमर है आई गेस, तो दिखाता हूँ आपको मैं वो। तो ये दोनों गेट पे अवेलेबल है, दोनों साइड में आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पे भी एक हैमर है, ये पूरा आयरन का है, इसके लिए भी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कैसे तोड़ना है, कैसे इसको निकाल के आपको इमरजेंसी विंडो तोड़ के निकलना है बाहर। पे हमारे ट्रेन से कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और हम लोग मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बहुत के अच्छा सीन है बाहर का। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेन के अंदर हमारी कहाँ सीट है और कैसा अरेंजमेंट है। तो ये थर्ड एसी कोच में हम जा रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ सीट कहाँ पर है हमारी। हमारी है मिडिल और लोअर, ये वाली। तो अच्छी सुविधा है, नीट एंड क्लीन है सब कुछ। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लंका ये रेलवे स्टेशन पे, और प्लेटफॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और हम लोग यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि वेलकम टू लंका, और काफ़ी सुंदर स्टेशन है, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। बाहर जाके देखते हैं कि एग्ज़िट कहाँ से है, और उसके बाद हम दिखाते हैं कि एग्ज़िट कैसे करेंगे और आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं जाने के लिए। तो चलिए उतरते हैं, लगेज निकालते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। वह थोड़ा ढूंढने के बाद हम लोगों को आखिरकार एग्ज़िट मिल गया, मतलब ये जो ब्रिज है, ब्रिज क्रॉसिंग है, इसके अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप डायरेक्टली बाहर निकलोगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट बाहर पहुंच चुके हैं और चलते हैं जहाँ पे जाना है अपने को। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं येलंका स्टेशन पे, और अब यहाँ से हम करेंगे कैब, कैब करके हम लोग जाएंगे अपने भाई के घर, और फिर आप लोगों को आई की चीज़ दिखाते हैं जो भी होता है।